वेलकम गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यानी कि क्लास 11th फिजिक्स का जो तीसरा चैप्टर है अपना, उसको हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसका बेस्ट पीडीएफ नोट्स आप हमारे वेबसाइट www.physicsbymanwar.com वहां से ले सकते हो। इस चैप्टर का सारा एनसीईआरटी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ का आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपने जो है इससे पहले का यूनिट्स एंड मेजरमेंट सारा देख लिया होगा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को रिवाइज कर लीजिए तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ठीक है, अगर आज आपका ये दोनों नहीं पढ़ा हुआ है तब भी चल जाएगा, लेकिन अगला लेक्चर देखने में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। अभी के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड को, और साथ ही साथ ढेर सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, आपको कुछ होमवर्क भी देंगे। और हाँ, आप हमारे वेबसाइट से सीट वगैरह भी ले सकते हो, ठीक है, और उस सीट से क्वेश्चंस वगैरह आप प्रैक्टिस कर सकते हो www.physicsbymanwar.com क्लास 11th फिजिक्स, और उसमें आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन इस चैप्टर में चले जाना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले रेस्ट और मोशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी कि सारा हमारा जो डिस्कशन होगा वो मोशन पर ही होगा, और कैसा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कर्व लाइन वाला मोशन सब देखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ सीधा लाइन में चलेंगे। बा ठीक है, क्लास 9th में आपका अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो भी, नहीं पढ़ा हुआ है तो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा ही आएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले बात हम लोग समझते हैं कि आखिर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट कैसे है और कोई रेस्ट में है, इसको पहचानते कैसे। आप लोग तो देख के बोलोगे साफ साफ, अरे भैया ये पेड़ वेड़ है, रुका हुआ रहता है, चलता तो है नहीं, ये भैया रेस्ट में है, रेस्ट में है, रेस्ट में है, और ये बेचारा दौड़ रहा है, ये पंछी उड़ रहा है, ये भवड़ा ऐसे ये हो रहा है, ये बॉल इधर जा रहा है, ये सब मोशन में, तो इधर का ये सब चीज़ मोशन और ये रेस्ट में, आपके लिए ये तय करना आसान है। लेकिन हम थोड़ा सा इसको और पेचीदा बनाते हैं, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़ करते हैं। देखिए एक सवाल हमारे पास, आप तो इस पिक्चर को देख करके सोच लिए थे कि अच्छा चलिए ठीक है भैया, इधर रेस्ट मोशन। लेकिन मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए, 9th के लेवल का जितना पढ़ाई है उससे अब लेवल थोड़ा ऊपर उठना है हम लोगों को। ये जो टेबल पे रखा हुआ ये जो बुक है, बताइए तो क्या ये रेस्ट में है या फिर मोशन में, क्या जवाब दीजिएगा आप? आप तो कहिए कि भैया ये तो क्या है, रेस्ट में, ये तो क्या है, रेस्ट में। लेकिन ध्यान से सुनिए, यहाँ पर बहुत लोग कह देते हैं क्या कि ये जो पेड़ है ये मेरा रेस्ट में है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात है, सोचने वाली बात है। ठीक है, आपके घर के आंगन में आसपास जो भी पेड़ पौधा लगा हुआ है क्या वो रेस्ट में है? आप बोलिए कि हाँ हाँ वो तो रेस्ट में है, पेड़ पौधा थोड़े चल रहा है जो रेस्ट में। लेकिन देखिए एक बात आप कल्पना कीजिए, हम आपको एक बात, ये रेस्ट और मोशन का ये जो भ्रम है ये आपके मन से थोड़ा सा हम दूर करना चाहेंगे। देखिए जैसे यही वो पेड़ है, इसके बारे में आप बोलिए क्या कि नहीं सर ये तो भैया रेस्ट में है, ऐसा आप बोलिएगा, लेकिन ये हो जाएगा गलत। ऐसा बात नहीं है, सुनिए सुनिए ध्यान से सुनिए कैसे। जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे अगर कोई पेड़ है, यही पेड़ इस पृथ्वी के ऊपर है, ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है हमारा, ठीक है, ये है आदमी नंबर ए जो कि अर्थ पर है, तो अर्थ के हिसाब से ये रेस्ट में है, इसको ये भी रुका हुआ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके हिसाब से ये रेस्ट में है। जो आदमी अर्थ पे है उसके हिसाब से ये पेड़ भी अर्थ पे है, रेस्ट में है, ठीक है, इसके हिसाब से ये रेस्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट में किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग यही पेड़ रेस्ट में। लेकिन अगर कोई आदमी है जो कि हमारा बैठा हुआ है, मान लीजिए मून पड़ेगा, ये क्या है मून, यहाँ चांद पर अगर कोई आदमी बैठा हुआ है और यहाँ से दूरबीन वगैरह लगा करके वो देखने का कोशिश कर रहा है इस पेड़ को, तो क्या होगा? आप ज़रा कल्पना कीजिए, पृथ्वी चूँकि इस तरीके से अगर घूम रही है, ठीक है, तो ये पेड़ भी क्या होगा, घूमता हुआ लगेगा कि नहीं? यहाँ से अगर दूरबीन लगा के इसको देखेगा तो पृथ्वी गोल घूम रहा है, आप तो जानते हो, तो ये पेड़ भी क्या गोल घूमता हुआ दिखेगा, और साथ ही साथ ये पृथ्वी सूरज का इस तरीके से चक्कर भी लगा रही है, तो आप देखो तो पेड़ कैसा मोशन कर रहा है पृथ्वी के साथ साथ, इस तरीके से ऐसे, समझ रहे हो बात कहने का? तो यहाँ से आप देखोगे तब तो ये तो मोशन में, या फिर इतना दूर ले जाना तो अलग सी बात है। एक ही समय में आप यहाँ पे देखो तो एक ही समय में ये जो एक पेड़ है इसके हिसाब से रेस्ट में और इसके हिसाब से क्या है, मोशन में, है ना? अच्छा चलिए और अब बात करते हैं, ये सब चीज़ को बढ़िया समझना। देखिए ट्रेन है, इस वाली जो लड़की है इसके हिसाब से ये वाली जो लड़की है रेस्ट में,
इसके हिसाब से ये क्या है, रेस्ट में है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लेकिन इसी लड़की को, ये लड़की यहाँ पर है समझो, यही लड़की है समझो, यही लड़की है समझो यहाँ पर है, अब झांकने लगी, पहले मोबाइल चला रही थी, मान लो झांक रही है एसी रकन खोल के, यही लड़की इसके सामने में अगर कोई लड़की बैठी हुई तो उसके हिसाब से ये लड़की बेचारी रेस्ट में है, लेकिन ये जो बाहर आदमी है इसके हिसाब से ये क्या है, मोशन में है, ये क्या है, मोशन में। ट्रेन पे आप देखते होगे कि आपके सामने वाली सीट पर अगर कोई आदमी बैठा हुआ है तो वो आदमी रेस्ट में आपको दिखता है, लेकिन जो बाहर से आदमी अगर स्टेशन पर से आदमी अगर कोई आपको देखेगा या उसी को देखेगा तो उसको तो मोशन लगेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रेन में आप बैठते हो, बाहर का जो पेड़ पौधा वो तो रेस्ट में रहता है, एक्चुअली में तो रेस्ट में है ना, अगर अगर जो ग्राउंड है उसके रिस्पेक्ट में पेड़ पौधा तो चलता नहीं है, लेकिन जब आप ट्रेन से चल रहे हो तो पेड़ पौधा आपको पीछे जाता हुआ दिखता है ना, दिखता है कि नहीं, हाँ सर दिखता है। तो ट्रेन जो पे जो बैठा आदमी है उसके हिसाब से वो जो पेड़ पौधा है पीछे की तरफ मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे एक बात देखना है, देखने का नज़रिया क्या है आपका, कहाँ से आप देख रहे हो, ये चीज़ बहुत मायने रखता है ना। इसी ये जो सेंस आप समझ रहे होगे इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप किस फ्रेम से देख रहे हो इसी बात पे डिपेंड करेगा कि सामने वाला ऑब्जेक्ट मेरा मोशन में है या रेस्ट में है। अगर आपके हिसाब से, अगर आपके फ्रेम के हिसाब से किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन यानी कि जगह बदल रहा है आपके फ्रेम के हिसाब से, आप जिस फ्रेम में हो उसी फ्रेम में अगर है वो पेड़, या आप जिस फ्रेम में हो अभी उस फ्रेम के हिसाब से अगर पोजीशन बदल रहा है तो कहेंगे क्या कि हाँ वो चीज़ का मोशन हो रहा है। अगर आपके फ्रेम के हिसाब से उस चीज़ का अगर जगह नहीं बदल रहा है तो कहेंगे क्या कि वो रेस्ट में है। जैसे आपके हिसाब से सामने वाले सीट पर, ट्रेन के अंदर ही आपके हिसाब से सामने वाले सीट पर बैठा व्यक्ति का पोजीशन नहीं बदल रहा तो आप कहिए कि मेरे सामने वाली सीट पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है ट्रेन के अंदर उसका पोजीशन नहीं बदल रहा, वो भैया रेस्ट में है मेरे हिसाब से। लेकिन आप बाहर जब पेड़ की तरफ देखिएगा, पेड़ सब उधर जा रहा है, हम तो उधर जा रहे, पेड़ उधर जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हिसाब से पेड़ उधर मोशन कर रहा है, तो मेरे फ्रेम के हिसाब से ये रेस्ट में है लेकिन मेरे फ्रेम के हिसाब से वो पेड़ बाहर में जो है वो रेस्ट मोशन में है। ये सब बात समझ रहे हो? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फंडा है जो हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम लोग मोशन को डिफाइन कर सकेंगे। चलिए, तो मोशन को डिफाइन करते समय हमको एक बात, छोटा सा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझना ज़रूरी है। तो मोशन क्या हुआ, अगर किसी ऑब्जेक्ट के का जो पोजीशन है किसी के फ्रेम के हिसाब से अगर चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है, अगर मेरे फ्रेम के हिसाब से किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है, अगर मेरे फ्रेम के हिसाब से उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो वो रेस्ट में ना। यही तो लिखे हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, एक ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाएगा जब उसका पोजीशन चेंज होता है, बदलता है विथ टाइम, जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है समय के साथ विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिए गए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदलता है तो कहेंगे क्या कि भैया वो वस्तु उस फ्रेम के हिसाब से मोशन में है। ठीक है, अच्छा ये क्या, आपसे एक सवाल करते हैं, क्या ये संभव है कि एक वस्तु एक समय में रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो? हाँ, अलग अलग फ्रेम से देखेंगे तो, जैसे बाहर में जो पेड़ पौधा है वो बाहरी आदमी ही अगर देखेगा तब तो रेस्ट में, लेकिन ट्रेन के अंदर बैठा हुआ आदमी जो कि ट्रेन चल रहा है उस पर बैठा आदमी देखेगा तो पेड़ पौधा को तो उधर जाता हुआ दिखेगा, तो उसको तो लगेगा कि पेड़ पौधा क्या है, मोशन में। जैसे आप महसूस किए होंगे कि आप जिस ट्रेन में हो, बगल वाला ट्रेन है, बगल वाला ट्रेन चलता है तो आपको लगता है, कभी कभी फील किए होंगे कि आप हमारा ही ट्रेन चल दिया। ये जो लोग ट्रेन में अक्सर सफ़र करते हैं वो समझ पाएंगे, जो ट्रेन में सफ़र किया ही नहीं है वो बच्चा क्या समझेगा। चलो कोई नहीं, तो ये एक संभव है कि एक ही समय पर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो मोशन में भी हो, डिपेंड करता है आप किस फ्रेम से देख रहे हो। इट मे पॉसिबल दैट एट वन टाइम इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टू अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, दो अलग अलग या टू डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, यहाँ पे डिफरेंट वर्ड भी आप यूज़ कर सकते थे, टू डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से एक ही समय पर कोई वस्तु रेस्ट में भी संभव है और मोशन में भी संभव है। ठीक है, अच्छा
यूनिवर्स पूरा एक्सपेंड कर रहा है और मूव कर रहा है, तो इसलिए पूरा का पूरा यूनिवर्स के बारे में आप कह सकते हो कि यूनिवर्स में जितना भी चीज़ है सब गति में है, सब मोशन में है। इसलिए कहीं ना कहीं मोशन जैसा बात है, एकदम पूरी तरीके से एब्सोल्यूट रेस्ट का बात नहीं कर सकते, यानी पूरी तरीके से संपूर्ण इस सृष्टि में रुकावट का बात नहीं कर सकते। पूरा ब्रह्मांड ही अपने आप में फैल रहा है, पृथ्वी सब कुछ दूर दूर फैल रहा है, सब कुछ यूनिवर्स फैल रहा है, तो सब मोशन कर ही रहा है अपने आप में। चलिए इसको आप यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कॉपी में हेडिंग दे देना है, उसके बाद आपको इसी को लिखना है। हम पेज वाइज लगा देते हैं, पेज नंबर 1 हो गया ये, ठीक है। इसका अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, इसको लिख लीजिएगा। हाँ, नोट्स आपको www.physicsbymano.com वहाँ पर तो मिल ही जाएगा ना, तो फिर दिक्कत की क्या बात है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो भैया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं? कोई बड़ी बात है नहीं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप समझे, देखने का नज़रिया। कहते हैं ना, नज़रिया बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, नज़रिया बदलो नज़ारे बदल जाएंगे दोस्त, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एक ही गिलास है अगर कोई, उसमें यहाँ तक पानी है, कोई इस तरीके से भी देखता है कि आधा गिलास हमारा खाली है, कोई इस तरीके से भी देखता है कि आधा गिलास हमारा भरा हुआ है, तो देखने का नज़रिया क्या है, वही चीज़ हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जैसे कि अगर मान लिया जाए यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, ये 0.0 ये ओरिजिन है, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट तक अगर हमको पहुँचना है तो एक्स एक्सिस में मान लीजिए चले 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 मान लीजिए, एक्स एक्सिस में 8 और वाई एक्सिस में 2, 2, 4 आप पहुँच गए इस पॉइंट तक। लेकिन अगर मान लिया जाए कोई अपना एक्सिस ऐसे खींच लिया है, कोई इधर एक्स बनाया हुआ है, कोई वाई इधर बना करके बैठा हुआ है, इस आदमी के हिसाब से यहाँ पर है, ठीक है। और ये एक अलग आदमी था, ये था आदमी नंबर ए, ये है आदमी नंबर क्या, बी। इसके हिसाब से जब आप क्या आते हैं देखोगे, ठीक है, तो इसी पॉइंट का लोकेशन कितना होगा, एक्स में इसको चलना पड़ेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 कॉमा ऊपर में ए 2, 2, 4, 6, 8, 10 तब ये पहुँचा। तो इसी चीज़ का लोकेशन इसके हिसाब से 8.4 और इसके हिसाब से 12.10 है ना। तो ये जो हम लोग कोऑर्डिनेट खींचे ना, इसी को फ्रेम ऑफ, मान लीजिए यहाँ पर एक कार है, ठीक है, ये एक कार है और हमको इसको देखना है, हम अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे खींच लिए, यही कोऑर्डिनेट सिस्टम जो लेकर के कोई आदमी बैठता तैयार हो जाता है, कोई आदमी जो ऑब्जर्व कर रहा है कहाँ से कर रहा है, वो कहाँ पे अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे खींच लिया, इसी चीज़ को हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के गहराई में हम लोग वक्त के साथ धीरे धीरे जाएंगे, हल्का हल्का आइडिया आपको लग रहा है कहाँ से आप देख रहे हैं, यही चीज़ होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ज़्यादा इसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका पेज नंबर 2 हो जाएगा, ये आपको लिखना, यही लिखना और कुछ नहीं लिखना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या भैया? ज़्यादा हमको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस देखने का नज़रिया, कहाँ से आप देख रहे हो, बस यही चीज़ का हल्का हल्का आइडिया लगा होगा कहाँ से आप देख रहे हो। इट इज़ द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, वही कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला, बस सेलेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द मोशन। किसी मोशन का अध्ययन, किसी गति का अध्ययन करने के लिए अगर कोई कार चल रही है उसको देखना हम शुरू किए, तो कहाँ से देखना शुरू किए भैया? हाँ, यहाँ से हम रोड पर से देख रहे हैं या खुद किसी दूसरे चलते हुए बस पे से बैठ करके किसी कार को देख रहे हैं, किसी चलते हुए बस में बैठ करके कार को देख रहे हैं या फिर ज़मीन पे खड़े होकर के चलते हुए कार को देख रहे हैं, ये दो अलग अलग फ्रेम हो गया। चलता हुआ बस में बैठे हुए अलग फ्रेम, ज़मीन पर खड़ा है अलग फ्रेम, खुद कार में बैठे हुए हैं तो एक अलग फ्रेम, ठीक है, यही सब बात हो। कहाँ से आप देख रहे हो बस वही चीज़ है ना, इट में डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर, बस यही चीज़ का आइडिया लेना है आपको और कुछ नहीं, ठीक है। ज़्यादा इस पर आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेज नंबर 3, ठीक है। उसके बाद अगर आपका इच्छा हो तो ये फ़ोटो बना भी सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है।
बनाना तो बनाने, तो कोई दिक्कत नहीं है इसको। चलिए पेज नंबर 3 हो गया, आगे बात करते हैं। पोजीशन, कौन कहाँ पर है वही चीज़ तो है मेरा, क्या पोजीशन। पोजीशन समझते हैं अब हम लोग, कुछ काइनेमेटिकल पैरामीटर समझना है कि पोजीशन क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, ये सब चीज़ समझना है हम लोगों को, ठीक है। तो पोजीशन जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बताए थे ना, वही तो मेरा क्या था, पोजीशन था। जैसे इस वाले के हिसाब से इस पॉइंट का पोजीशन क्या है, 8.4। इस वाले फ्रेम के हिसाब से इस पॉइंट का पोजीशन क्या है, 12.10। ऐसे करके आप बता सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये चीज़ हो गया। तो एक काम कीजिए, इसके जस्ट नीचे आप ये पेज नंबर 3 है, एक काम कीजिए इसको लिख ही लीजिए, ये पेज नंबर 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट रख लेना है, ये पेज नंबर 3 है ही। आइए सारा चीज़ का जो स्लाइड है ना, इसका फोटो आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, www.physicsbyamanwar.com फ्रंट पेज पे ही, क्लास 11th फिजिक्स में चले जाना है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वहाँ मिल जाएगा। पोजीशन क्या हो गया, कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर है उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उसके लोकेशन का, उसके लोकेशन का, उसके जगह का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए, वही तो हमारा पोजीशन हो गया ना, वही हमारा क्या है। जैसे यहाँ पर देखिए इस बॉल का पोजीशन क्या है, एक्स बराबर 4 मीटर पर, द बॉल इज एट एक्स बराबर क्या 4 मीटर, ये उसका पोजीशन हो गया। बस कौन कहाँ पर है वही बताने वाला चीज़ मेरा क्या है, पोजीशन। इट इज़ द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के लोकेशन का कंप्लीट जानकारी ही हमारा क्या है, पोजीशन है ना, विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये शब्द इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग फ्रेम के हिसाब से अलग अलग पोजीशन होगा ना भैया, अलग अलग फ्रेम के हिसाब से पोजीशन तो हमारा अलग अलग ना। इस फ्रेम के हिसाब से इस पॉइंट का पोजीशन 8.4, इसके हिसाब से 12.10, ऐसे लिखेंगे ना। 12.10 का मतलब समझते हो ना, पहले 12:10 मत समझ लेना, एक्स एक्सिस में 12 जाएगी, वाई एक्सिस में 10, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसका क्या कहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4.5 ये हो जाएगा पेज नंबर 5, ठीक है। पेज नंबर वाइज बना करके आपको वेबसाइट पे हम स्लाइड का ये फोटो भी दे देंगे, आप स्क्रीन नहीं भी लिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पेज नंबर 5 हो गया है, ठीक है। तो ये एक्स बराबर कहाँ पर है, 4 मीटर पे, ये उसका क्या हो गया, पोजीशन ना। इधर होता तो -5 थी, कुछ भी हो जाता। अगर मान लीजिए बॉल यहाँ पर होता तो क्या लिखते आप, कि उसका पोजीशन क्या है, एक्स बराबर -6, है कि नहीं। चलिए डिस्टेंस आप समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, नहीं समझते हैं डिस्टेंस आप समझते हैं कि नहीं, डिस्टेंस आप समझते हैं भैया, ऐसे करके यहाँ तक गए, ये मेरा क्या है, डिस्टेंस है कि नहीं, सही बात है सर। और अगर ऐसे करके चलेंगे तब ये क्या है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये मेरा होता है डिस्प्लेसमेंट, आप आगे पढ़ेंगे अभी, और जो आपने यहाँ पर पढ़ा अभी, ये मेरा क्या है, डिस्टेंस है, ब्लू वाला डिस्टेंस, रेड वाला डिस्प्लेसमेंट, जहाँ से चले और जहाँ पहुँचे, ये हो गया इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन ना। आप एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे ये वाला जो जगह है, ये है मेरा क्या, इनिशियल पोजीशन, ठीक है, और ये मेरा क्या है, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये जो हम लोग रास्ता में भर चले हैं, ये उस रास्ते की लंबाई हमारा क्या कहलाती है, ये जो हम रास्ते से चले हैं ये रास्ते की लंबाई हमारा डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में फ़र्क हमको समझना ज़रूरी है, ठीक है, सब भी समझेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हुआ, इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय दी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, किसी पार्टिकल या वस्तु के द्वारा तय किया गया जो रास्ता का लंबाई है, उसी को हम लोग, असल जो रास्ता चला है उसी रास्ते के लंबाई को हम लोग क्या, डिस्टेंस कहते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर से कोई चलना शुरू किया, यहाँ से चलते 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 यहाँ गया, और फिर यहाँ से होते 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 यहाँ चला आया, तो डिस्टेंस कितना हुआ, 4 मीटर और 3 मीटर मिला के 7 मीटर, ये क्या हो गया हमारा,
डिस्टेंस हो गया। अच्छा, अब इसी के बाद आगे हम लोग को क्या समझना है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो अभी अभी हम बताएं, नहीं बताएं आपको, बताएं है ना, थोड़ा देर पहले ही डिस्प्लेसमेंट हम डिस्कस कर दिए हैं। इसी फोटो में आप देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। फिगर नंबर हम लोगों के पेज नंबर 5 था, ये मत लिखिए, आगे हम लिखा देंगे, ठीक है। ये हो गया 5 के बाद पेज नंबर 6, इसको कर लीजिए पेज नंबर 6, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7 में यहाँ पर, यहीं पे हम लोग कर लेते हैं इसको, सेम चीज़ हमको फिर से करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। और पेज नंबर 6 था ना, अब ये बनेगा हमारा पेज नंबर 7, ठीक है। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा ये हमारा क्या है, इनिशियल पोजीशन, हम लोग शुरू में कहाँ थे, और यहाँ पे हमारा क्या है, फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन हम लोग चले हैं, मान लिया जाए यही जो चले हैं उसके रास्ता का रास्ता यही है, हम लोग ऐसे ही करके यहाँ से यहाँ तक चले। तो ये जो रास्ता है इसका लंबाई हमारा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और हम लोग ये जो लंबाई चले, ये हमारा क्या कहलाएगा, इनिशियल, जहाँ से चले हैं और जहाँ फाइनली पहुँच गए। इन दोनों को अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि ऐसे डॉटेड लाइन से मिला दोगे सीधा, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यही हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें यहाँ पे पेज नंबर 7 नहीं करते हैं, आप समझ चुके हैं, पहले इसको डिफाइन कर लेते फिर आगे हम लोग लिख लेते हैं। सुनिए, एक काम कीजिए, पेज नंबर 7 इसको बनाना है आपको, ठीक है, इसको बनाना है। देखिए तो डिस्टेंस के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सही बात है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ऐसे घूम के वजह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही ना हुआ, न्यूनतम दूरी तो यही है ना, सीधा लाइन से मिला देंगे तो वही है हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और भी डेफिनेशन है इसका, कि इट इज़ द टोटल चेंज बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो चेंज होता है ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कितना बदलाव आया, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इस डेफिनेशन का असल मतलब आपको थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, कोई है अगर कहाँ चला है, ऐसे करके चल रहे हैं, ए से लेकर के गया कहाँ तक, बी तक, फिर बी से चला गया कहाँ तक, सी तक। तो डिस्टेंस कितना हुआ, 4 और 3, 7 डिस्टेंस हो गया हमारा कितना, 7। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को शॉर्टेज डिस्टेंस सीधा लाइन से मिला देंगे, ये अगर दूरी यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। पेज नंबर 7, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक वो डॉट बना सकते हैं, डॉट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 7, और इसको कीजिए पेज नंबर 8, इसको कर लीजिए पेज नंबर 8, ठीक है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी फोटो में डिस्टेंस भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है। हाँ, इसमें आप तब इस हेडिंग को नहीं दीजिएगा, ठीक है, इसको आप कट कर दीजिएगा, खाली यही लिख दीजिएगा, ठीक है ना, इसके जस्ट नीचे। अच्छा ठीक, उसके बाद आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। देखिए अभी हम बोले ना, चेंज इन पोजीशन यानी कि क्या, xf माइनस xi। अब इसको यूज़ करके दिखाएंगे तब ना आपको ये क्लियर होगा, फाइन। ये है डिस्प्लेसमेंट बराबर, यही है हमारा, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बराबर फाइनल पोजीशन, ये है हमारा फाइनल पोजीशन माइनस
स्पेशियल पोजीशन, ठीक है। अब इसको यूज़ करके दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, अभी हम दिखाते हैं यूज़ करके, ठीक है। चलिए आप सब्र कीजिए, ये अभी हम यूज़ करके दिखाते हैं। ऐसा यूनिट इसका डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर ही होगा। इसको आप कर सकते हैं पेज नंबर 9, ठीक है। अगर ये सब चीज़ आपको स्क्रीनशॉट लेना होना छूट भी जाए तो दिक्कत की बात नहीं है, स्क्रीनशॉट वैसे ले लीजिए इसका, ठीक है। वेबसाइट से आप सारा इस स्लाइड का सेम टू सेम फोटो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नोट में आपको एक दो छोटा सा बात आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है वो हम अभी आपको बताते हैं। फिर अभी हम आपको वो फॉर्मूला यूज़ करके दिखाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट बराबर xf माइनस xi क्या हुआ, वो अभी आप समझ जाइएगा। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है वो सब समझ जाइएगा, ठीक है। नोट में एक बात सुनिए, अगर ऑब्जेक्ट हमारा देखिए तो अगर ऑब्जेक्ट सुनिए पहले हमको एक बात बताइए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा बड़ा कौन होता है? डिस्टेंस। अच्छा, क्या ये संभव है कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाए डिस्टेंस से? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, अच्छा, क्या ये संभव है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाए? हाँ, ये संभव है जब सीधा लाइन में चलेगा। मान लीजिए छोटा छोटा सा बात, जब सीधा लाइन में ऑब्जेक्ट चला, सीधा एकदम सीधा है ये, अगर ये सीधा लाइन में चला तो डिस्टेंस भी यही और डिस्प्लेसमेंट भी क्या वही। तो अगर सीधा लाइन में ऑब्जेक्ट चलेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर बड़ा होना है तो कौन हो सकता है बड़ा? डिस्टेंस बड़ा हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट या तो हमेशा छोटा ही रहेगा या फिर बराबर हो सकता है कि नहीं? हाँ, सही बात है। चलिए, हमने पेज नंबर 9 तक हो गया था, पेज नंबर 10 में आ गए, ठीक है। चलिए, इसको पेज नंबर 10 आप बनाइएगा। क्या लिखे हैं बात आप समझ लीजिए कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ विल बी इक्वल, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा अगर क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, बिना दिशा को बदले हुए अगर वस्तु हमारा सीधा लाइन में चलता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। सही बात है ना। अच्छा, फिर आगे क्या लिखे कि डिस्टेंस मे बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस यानी कि दूरी जो है वो डिस्प्लेसमेंट से यानी विस्थापन से क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन क्या? डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ से एक बात समझ में आया, दो बात समझ में आया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या तो बराबर हो सकता है, कब? जब सीधा लाइन में चलेगा तब, या फिर एक और बात है, या तो डिस्टेंस बड़ा होगा। पेज नंबर 9 था ना, पेज नंबर 10, ठीक है। तो डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। ये इंपॉर्टेंट बात हो गया, इस चीज़ को ध्यान रखना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिया, चलिए अब हमारा ये हमारा पेज नंबर 11 होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करना है, ठीक है ना, समझे बात। चलिए देखते हैं, तो कैसे होगा इसको अब समझते हैं। क्या बोल रहा है कि एक आदमी है, अभी तक हम डेल्टा एक्स बराबर xf माइनस xi यूज़ करके नहीं दिखाए, अब हम दिखाएंगे, निश्चित रहिए। एक आदमी है जो कि 30 मीटर जाता है, अभी 9 को न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है। एक आदमी जाता है 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ और फिर टैक्स है क्या? राइट टर्न, ठीक है। देखिए तो क्या है, अमे मत चिल्लाइए ना, आवाज़ आ रहा है। चलिए देखिए, एक आदमी है जो कि 30 मीटर जाता है किधर? नॉर्थ के तरफ। तो देखिए एक बात, नॉर्थ साउथ किस तरीके से आपको बनाना चाहिए आप ध्यान देख के सुनिए, कॉपी में हमेशा ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ। और एक बात, साउथ के तरफ अगर आप, साउथ यानी कि दक्षिण के तरफ आप दाहिना हाथ रखिएगा तो आपका फेस हमेशा पूरब के तरफ होता है। तो इधर आप दाहिना हाथ रखिए तो आपका इधर दाहिना हाथ है, उधर नॉर्थ है, तो सामने फेस आपका पूरब यानी कि ईस्ट इधर होगा और इधर होगा वेस्ट, ठीक है। ये सब चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो एक आदमी 30 मीटर जाता है नॉर्थ के तरफ, तो 30 मीटर हम इसको भेज दिए नॉर्थ के तरफ, ठीक है। एंड टेक्स अ राइट टर्न, राइट साइड मुड़ा
और फिर 30 मीटर चलाइए, तो यहाँ आ गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है सवाल में कि अगेन एंड 30 मीटर अगेन, 30 मीटर इधर, फिर 30 मीटर दोबारा इधर चला, एंड फाइनली ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, यहाँ ऐसे गया, राइट टर्न लिया, 30 मीटर चला और उधर जाके फिर एगो लेफ्ट टर्न ले लिया और 10 मीटर चला, तो 10 मीटर ऐसे चला। ठीक है, 10 मीटर ये चला और यहाँ जाके रुक गया, 10 मीटर एट ए स्टॉप और वहाँ जाके रुक गया। देन फाइंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस तो ये ब्लू वाला हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बराबर 30 प्लस 30 प्लस 10, 30 30 60 और 10 70 मीटर, ये तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन रही बात डिस्प्लेसमेंट की, तो ये कैसे निकलेगा, तो ये तो इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, उसको दोनों को आपको डॉटेड लाइन से मिलाना पड़ेगा, यही दूरी आपको निकालना है। तो चलिए देखिए, वीडियो पॉज करके आप कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए रे, तो हम बना ही देते हैं, ये 10 है तो आप यहाँ भी क्या कल्पना कर सकते हो, ये भी क्या हो गया 10, ये 30 है तो यहाँ पे आप कल्पना कर सकते हो कि ये भी क्या हो जाएगा 30, ये 30 है तो ये भी 30, ये 10 है तो ये भी 10। अब आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना हो गया, 30 और 10 40, और यहाँ से यहाँ तक तो क्या है 30 है, और ये हमको निकालना है। इस ट्रायंगल में हम सब कुछ का नामकरण कर देते हैं, ये पॉइंट का नाम रख दिए ए, इस पॉइंट का नाम रख दो बी, इस पॉइंट का नाम रख दो सी। अब देखो तो जरा सा, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि आप लिख सकते हो ए बी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस क्या बी सी स्क्वायर, यहाँ से आप ए बी बराबर रूट अंडर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए बी बराबर रूट अंडर ए सी, हाइपोटेनस निकालना है बस, रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आप जानते ही हो, तो ये ए सी का स्क्वायर यानी कि 30 और 10 मिला के 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर प्लस बी सी यानी कि 30 का स्क्वायर, ये सब तो ईजी आप बनाएंगे, 1600 प्लस क्या 900 रूट हो जाएगा 2500, 2500 का रूट कितना होता है 50, तो इतना मीटर हमारा क्या हो गया आंसर, सॉरी 50 मीटर हमारा क्या हो गया आंसर ना। तो डिस्टेंस हमारा 30 30 60 10 70 और डिस्प्लेसमेंट हमारा ये ए बी आ गया कितना 50 मीटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज नंबर 11 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपसे बन ही गया होगा, डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, डिस्टेंस तो निकालिए लिए होंगे। पेज नंबर 11 के बाद पेज नंबर 12 में आते हैं। ठीक है, पेज नंबर ये हो गया क्या 12, पेज नंबर 12 है। ठीक है, चलिए इसमें क्या सवाल बोल रहा है, सवाल ये बोल रहा है कि एक आदमी है जो कि जाता है सेमी सर्कुलर ट्रैक पर, सेमी सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है जिसका रेडियस है 2 मीटर। सेमी सर्कुलर ट्रैक का मतलब चला सेमी सर्कुलर ट्रैक पर, यानी ए से चलना शुरू किया और यहाँ बी तक आया। ठीक है, सेमी सर्कुलर ट्रैक है, इसका रेडियस दिया हुआ है सवाल में, ये 2 मीटर है, आर बराबर 2 मीटर का रेडियस है। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम वन इंड टू अनदर इंड, एक इंड से चला दूसरे इंड तक आया, देन फाइंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे निकलेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे निकलेगा जरा देख लिया जाए। डिस्टेंस की अगर बात करें हम, तो यहाँ से यहाँ तक चला ना, तो जब यहाँ से यहाँ तक चला है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा सर्कल चलता तो 2πr होता, पूरा सर्कल चलता तो 2πr, आधा सर्कल चला है तो क्या πr,
पूरा सर्कल चलता तो 2πr होता ना भाई, परिधि होता है ना, पेरीमीटर होता है ना, सर्कमफेरेंस होता है ना, आधा सर्कल चला है तो क्या, सिर्फ πr। पूरा सर्कल चलता तो 2πr, आधा सर्कल चला है तो क्या, πr डिस्टेंस चला। πr का मतलब, पाई का मतलब 3.14, इनटू रेडियस हमारा कितना है 2, यानी कि कितना 6.28, इतना मीटर हो गया क्या डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा यही ना शॉर्टेज डिस्टेंस, इसी को ना मिलाएंगे। अरे भैया यही ना हमारा, तो यहाँ से यहाँ तक भी एक रेडियस और यहाँ से यहाँ तक भी क्या रेडियस ना, आर और आर, आर प्लस आर बराबर क्या 2r, यानी कि 2 इंटू रेडियस कितना 2 मीटर है, तो बराबर 2 × 4 मीटर। ये भी एक आंसर और ये भी एक आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। पेज नंबर ये हो गया था 12, अब पेज नंबर 13। अब आपको हम बताने वाले हैं कि वो xf माइनस xi का कैसे आप यूज़ कीजिएगा, ठीक है। पेज नंबर 13 है ये, ठीक है ना। अब इसमें भी वीडियो पॉज करके आप बना सकते हो, सवाल को ट्राई कर सकते हो। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे सवाल सब बनेगा। एक पार्टिकल के बारे में बोला जा रहा है कि जो कि एक्स एक्सिस में चल रहा है, जैसा फिगर में दिखाया गया है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया है, ए से चला और घूम करके यहाँ बी तक आ गया, देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए इसको बनाने का दो तरीका है। आप डिस्टेंस तो आपको खैर गिन गान के निकालना पड़ेगा, पूरा चला है यहाँ से यहाँ तक चला 2 मीटर, फिर 2, 4 और फिर वापस आया है, देखिए तीर में ऐसे करके यहाँ से ऐसे चला, फिर ऐसे यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, 6, 2, 8 हुआ ना, तो 2, फिर 2, 4 और वापस आया है, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20, 2, 22 आगे बढ़ा है, 22, 2, 24 और फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ तक आके फिर आया, तो 24 और फिर 2, 26, 26 मीटर, 26 मीटर चला है। अब हमको पता करना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का दो तरीका अब आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं फार्मूला का, ठीक है। और नहीं तो बिना फार्मूलों को पहले हम दिखा देते हैं, फिर फार्मूला का भी दिखाएंगे। देखिए डिस्प्लेसमेंट यही ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को सीधा लाइन से मिला दीजिए, यही ना डिस्प्लेसमेंट होता है। तो कितना हो जाएगा ये दूरी, यहाँ से यहाँ तक 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14 मीटर, सही बात है, डिस्टेंस तो आया है, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। लेकिन इसी चीज़ को निकालने का एक और तरीका है आपके पास। डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा एक्स से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, ये हमारा क्या है ध्यान रखिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम बोल रहे हैं कि xf माइनस xi, क्या हुआ ये xf माइनस xi, xf यानी कि फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस 8 है, उसमें से आप घटा दीजिए, इनिशियल पोजीशन क्या है 6 है, घटाइए ना देखिए तो क्या आता है, तो माइनस 8, 6 को घटा दिए तो माइनस 8 माइनस 6 बराबर माइनस 14, इतना मीटर। अब आप बोलिए कि सर डिस्प्लेसमेंट तो हमारा माइनस में आया, हाँ डिस्प्लेसमेंट माइनस में आ सकता है, आता ही है, कोई बात बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप इस माइनस साइन का मतलब जानते हो क्या है, ये कहना चाह रहा है पहले तो ऑब्जेक्ट ए पर था, ठीक है ए पे था, उसके बाद क्या हुआ ये 14 मीटर चला, डिस्प्लेसमेंट इसका 14 मीटर हुआ, लेकिन निगेटिव साइन का अर्थ जानते हो क्या है, निगेटिव साइन ये बता रहा है कि 14 मीटर वो भैया निगेटिव एक्सिस की तरफ चला, सही बात है, ए से बी किधर है, पीछे है ना, उधर है, निगेटिव एक्सिस की तरफ है ना, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 14 मीटर किधर हुआ, निगेटिव एक्सिस की तरफ, इसलिए ये माइनस साइन है। यहाँ पे हम लोग एक बात बोल सकते हैं, इट मीन्स, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट इज, डिस्प्लेसमेंट इज 14 मीटर towards negative x axis, ये इसका मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट हमारा 14 मीटर है नेगेटिव एक्सिस की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। ये सब चीज़ होता है, आपको ये सब चीज़ आना चाहिए। 13, पेज नंबर 13। अब हम लोग बात करते हैं
पेज नंबर 14 में आ गया है। ठीक है, 9 क्वेश्चन करना है इसके बाद और 5 क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, 2x स्पीड में देख लीजिए। चलिए देखिए, ये भी एक नया तरह का क्वेश्चन है। इसमें हमको जानते हैं क्या बोल रहा है कि पोजीशन का टाइम के साथ इक्वेशन दिया। बोला है क्या क्या बोल दे रहा है भैया, कि अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम x बराबर इतना, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t बराबर 1 सेकंड से 5 सेकंड के बीच। पोजीशन का टाइम के साथ इक्वेशन दिया हुआ है, x बराबर गिवेन हमारे पास क्या है, x बराबर 3t स्क्वायर। पोजीशन का टाइम के साथ इक्वेशन दिया हुआ है, हमको बोला कि t बराबर 1 सेकंड से 5 सेकंड के बीच डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो देखिए, आपको करना कुछ नहीं है इसमें। देखिए, आप इस फिगर में आप समझ जाइएगा कि ये इनिशियल टाइम आपका 1 है और फाइनल टाइम आपका 5 है। आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स बराबर फार्मूला होता है एक्स एफ माइनस एक्स आई, इसको आप यूज़ कीजिए ना। फाइनल टाइम को पोजीशन के इक्वेशन में डालिएगा तो फाइनल पोजीशन आपको मिल जाएगा। फाइनल टाइम को पोजीशन के इक्वेशन में डालिएगा तो आपको फाइनल पोजीशन मिलेगा। 5 को यहाँ डालिए, 5 का स्क्वायर 25 और 25 दिया 75, सही बात है कि नहीं, माइनस। इसको आप इस इनिशियल टाइम को इस इक्वेशन में डालिएगा तो इनिशियल पोजीशन मिल जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन का इक्वेशन है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 गुना 3 3 ही रह जाता है। ये हो गया हमारा 72, ये हो गया 72 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट। यही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक बार फाइनल टाइम डालिए, फाइनल x आ जाएगा, इनिशियल टाइम डालिए, इनिशियल x आ जाएगा, दोनों को घटा दीजिए, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, पेज नंबर 14 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको एक होमवर्क देते हैं, चलिए ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, पेज नंबर कहाँ तक था, 14, और ये हो गया आपका पेज नंबर 15। ये आपका होमवर्क है, इसको बनाना है। एक बार ये पोजीशन का जो इक्वेशन है इसमें फाइनल टाइम को डालिएगा, यहाँ और यहाँ दोनों जगह रखिएगा, फाइनल एक्स आ जाएगा, इसको डालिएगा फिर वो इनिशियल एक्स आ जाएगा, दोनों को घटा दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, ये होमवर्क को आपको बनाना है। www.physicsbyamanwar.com, यहाँ से आप फ्री PDF नोट्स वोट सारा ले सकते हो, ढेर सारा अच्छा अच्छा बुक का PDF नोट्स वोट सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा। और सब चीज़ को ट्राई कीजिए, मज़ेदार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। चलिए देखिए, कौन बनेगा करोड़पति, आप देखते होगे बहुत है। तो ये देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से समझना है। पहले इसको वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कि किसका आंसर सही होता है। कमेंट में बताइएगा जरूर कि जिसका आंसर सही हो गया। ठीक है, हम खुद सवाल को अब आपको समझाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि एक चक्का है, ये व्हील है, और जिसका रेडियस आर है। जिसका रेडियस क्या है भैया, आर है। ये रोल कर रहा है इस तरीके से घूम रहा है। तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी। ये जो पी पॉइंट है यहाँ पर है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हाफ रोटेशन में। अगर ये आधा चक्का ऐसे घूम जाता है तो उसमें ये यहाँ है ना, ये पूरा घूम करके ज़मीन तक नहीं आना, वापस आधे घूमना है। यानी कि यहाँ है ना, यहाँ है ना, इसका यहाँ है ना, आधे घूमना है। ठीक है, तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब आप चलिए हम निकालते हैं, ये चार ऑप्शन है आपके पास, हम ट्राई करके देखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए चलिए, इसको इसी को कल्पना कीजिए, यहाँ ना आर, यहाँ पे देखिए, यहाँ ना पी पॉइंट। ये पी पॉइंट डिस्प्लेसमेंट के बाद कहाँ पर होगा, देखिए तो ज़रा सा। जब ये इस तरीके से यहाँ पे है पी, अभी इस पे फोकस कीजिएगा, ये कहाँ जाता है। अब देखिए तो कहाँ पहुँच गया ये, हाँ ये पी पॉइंट बना, यहाँ पे पहुँच गया कि नहीं, यहाँ पे पहुँच गया ना पी पॉइंट, पहुँच गया ना यहाँ पे पी पॉइंट, क्या यहाँ था और यहाँ पहुँच गया ना। देखिए ना भैया, आधा ये आधा, और ये जो टॉप वाला पॉइंट था वो हमारा कहाँ आ गया, ये टॉप वाला पॉइंट पे फोकस कीजिए तो, ये टॉप वाला पॉइंट यहाँ आ गया, और ये जो पी था ये मेरा कहाँ चला गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो यहाँ ऊपर आ गया ना, है कि नहीं। तो इस तरीके से, तो ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, क्या कर रहे थे हम
स्क्रीनशॉट फोटो बना रहे थे थंबनेल। खैर चलिए कोई नहीं, अब यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग, तो ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो ये पी पॉइंट हमारा रोटेट करके यहाँ आया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ ना, एंड यही आपको निकालना है, ठीक है। तो किधर किधर कितना कितना क्या क्या चलेगा उसको समझिए। देखिए यहाँ गौर से देखिएगा, ये हमको निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्प्लेसमेंट। ये पी पे फोकस कीजिए, पी हमारा घूम करके यहाँ आ गया है, यहाँ आ गया, तो यही डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब सुनिए, काम करते हैं हम, देखते हैं, ज़रा दिमाग लगाते हैं। ये जो घूम करके ये जो पी है, ये जो घूम करके यहाँ तक आया, ये हाइट ज़मीन से कितना होगा बीबी? ये रेडियस और रेडियस 2r, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा कितना होगा? 2r होगा कि नहीं? अभी भी तो इतने हाइट पे है ना। अरे यार, यहाँ से घूम के यहाँ तक आया ना, तो ये ज़मीन से हाइट कितना होगा? r और r डायमीटर, ये पूरा, ये 2r। अच्छा, और ये दूरी कितना होगा ज़रा देखो, तो फिर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, तो ये जब घूम रहा है ऐसे करके, तो ये देखिए ये दूरी, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए 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 यहीं यहाँ तक आया ना। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, यही दूरी मेरा को फोकस कीजिए, यही दूरी मेरा है कि नहीं? तो यही वाला दूरी ना यहाँ से यहाँ तक है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा? पाई आर होगा। कैसे पाई आर हुआ? क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये आधा सर्किल का लंबाई कितना होता है? देखिए तो यही ना चला है, यही ना यहाँ पर चला हुआ है। ये आधा सर्किल का लंबाई कितना होता है? पाई आर। पूरा सर्कल होता तो 2πr, और आधा सर्किल है तो पाई आर, ठीक है। हो बाबा रे, चलिए देखिए बात करते हैं। तो ये डिस्टेंस हमारा पाई आर है, और ये डिस्टेंस 2r है, तो ये निकल जाएगा। पाइथागोरस लगाएंगे, ये h है ना, एक तरह से हाइपोटेनस ही है ना, यही ना हमको निकालना है, यही ना डिस्प्लेसमेंट होगा। रूट अंडर किसका स्क्वायर? पाई आर का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, ये हो गया किसका? 2r का स्क्वायर कीजिए, तो इसका और इसका स्क्वायर करके रूट के अंदर डालेंगे, तो ये हाइपोटेनस निकलेगा ना। एच बराबर क्या होता है? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, वही ना, अभी थोड़ा देर पहले किए। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर, और ये मेरा रूट। तो आर स्क्वायर कहते हैं यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो अंदर में बच गया पाई स्क्वायर प्लस कितना 4 आर स्क्वायर, दो इसमें भी गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये उससे गुना करेंगे तो वहाँ हो जाएगा, दोनों से कॉमन निकाल लिए, आर स्क्वायर है, रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये आर हो जाएगा, रूट अंडर, अंदर में क्या बच गया? पाई स्क्वायर प्लस क्या? 4। तो ये किससे मैच कर रहा है? पाई स्क्वायर प्लस 4। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। ये पेज नंबर 15 है। उसके बाद अब ये हो जाएगा हमारा क्या, पेज नंबर 16, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए इसका, ये स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बात करते हैं, अब हम लोग स्पीड पर बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा पेज नंबर 17, ठीक है। 16 तो हो ही गया, ये पेज नंबर अब 17 होगा। स्पीड में भी हम लोग जो सीखेंगे वो एक प्रकार से एवरेज स्पीड ही समझेंगे, ये एक्चुअल में एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं हम लोग। स्पीड हमारा क्या है एक्चुअल में, आप जानते हो, डिस्टेंस बाय टाइम ना। पूर्णिया से कटिहार दो जगह है, यहाँ हम लोग जहाँ रहते हैं बिहार में, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है। तो पूर्णिया से जैसे कटिहार आप जाते हो, ठीक है, तो पूर्णिया से कटिहार आप जाते हो 30 किलोमीटर का सफ़र है, और 2 घंटे में आपने तय किया, तो इसका मतलब 15 का औसत रफ्तार से आप चल रहे थे तब ना। 30 किलोमीटर का सफ़र 2 घंटे में तय किया, यानी 15 के औसत रफ्तार से चल रहे हैं आप, वही एवरेज स्पीड की ही बात करेंगे। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, इकाई समय में तय की गई दूरी ही हमारा स्पीड है। स्पीड को आप जानते हो डिस्टेंस बाय टाइम, मीटर पर सेकेंड इसका ऐसा यूनिट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्पीड का 2 प्रकार होता है, एक होता है एवरेज स्पीड, एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग आगे अगले लेक्चर में समझेंगे। अगले लेक्चर में वेलोसिटी पढ़ना है हम लोगों को, वेलोसिटी का फिर टाइप पढ़ना है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का टाइप, ढेर सारा चीज़ पढ़ना है, ठीक है। वीडियो लेक्चर लंबा होगा, लेकिन उसको करने से पहले आप एक काम करना कि डिफरेंशियस और इंटीग्रेशन बोर्ड लेवल तक का ही, नॉर्मल लेवल तक का जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये स्क्रीन सेट ले लिया होगा पेज नंबर 17 के बाद। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 18, ये पेज नंबर
बनेगा हमारा 18। ठीक है, सब स्लाइड का फोटो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सब करते हैं, स्पीड को समझते हैं। स्पीड छोटा सा ही बात था तो इसका क्वेश्चन सब करना जरूरी है। वीडियो पॉज करके आप इसको बनाने का कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हम बनाते हैं। एक आदमी है जो कि कवर करता है हाफ डिस्टेंस को विथ स्पीड V1 और बचे हुए हाफ डिस्टेंस को विथ स्पीड V2, तो बताइए एवरेज स्पीड कितना हुआ। मान लीजिए सवाल में ये बोल रहा है कि एक आदमी बहुत बढ़िया से सावधानी से, दिमाग को एकदम फ्रेश कीजिए, जाइए पानी वानी पी करके आइए, वीडियो पॉज कीजिए, रेस्ट कर लीजिए 10-15 मिनट, उसके बाद तब आपको ये क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करना है, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए नम्मा लास्ट क्वेश्चन सबसे अच्छा, इसलिए जाइए अभी थोड़ा सा रेस्ट करके आइए, बहुत देर हो गया, 40 मिनट बहुत समय होता है, तब इस सवाल पर बैठिए, वीडियो को वापस से देखिए। चलिए, एक आदमी आधा दूरी को V1 स्पीड से करता है और बचे हुए आधे दूरी को V2 स्पीड से, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास, यानी आधा दूरी यानी कि मतलब यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी तक V1 स्पीड से चलता है, फिर उतनी ही दूरी तक V2 स्पीड से चलता है। ठीक है, जैसे पूर्णिया से कटिहार जाना था 30 किलोमीटर का सफ़र था, 15 किलोमीटर तक V1 स्पीड से चला, फिर 15 किलोमीटर तक V2 स्पीड से चला, यही बात होगी। जैसे मान लीजिए पहला 15 किलोमीटर तक कहते हैं 10 के रफ्तार से चला, और अगला आधा डिस्टेंस जो है यानी कि अगला 15 किलोमीटर 5 की स्पीड से चला, फॉर एक एग्जांपल, तो आधा दूरी चला है V1 स्पीड से, आधा दूरी चला V2 स्पीड से, तो औसत स्पीड क्या होगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा है यहाँ से यहाँ तक x, तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, x नहीं होगा ना। फिर से अच्छे से समझ लेते हैं, जैसे आधा दूरी चला, आधा डिस्टेंस चला V1 स्पीड से, और बाकी का आधा डिस्टेंस चला किस स्पीड से, V2 स्पीड से, तो हमको एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा, एवरेज ये समझ लेना कि आप एवरेज लिख दिए, ठीक है, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, अच्छा, जब ये आधा दूरी तय किया होगा तो मान लीजिए उसको टाइम जो लगा होगा हमको मालूम नहीं है, हम मान लीजिए कि T1 टाइम लगा होगा, कुछ समय लगा होगा, फिर आधा दूरी और जब तय किया होगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ समय लगा होगा, मान लीजिए T2 टाइम लगा होगा, अलग अलग स्पीड से चला तो समय भी तो सेम दूरी को तय करने में अलग अलग समय लगा होगा क्या, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में T1 टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने में T2 टाइम, तो टोटल डिस्टेंस D+D बाय टोटल टाइम T1 प्लस T2, सही बात है, टोटल डिस्टेंस डी और डी मिला के 2D। रही बात टोटल टाइम की अब बात करें तो आप एक चीज़ जानते हैं, चूँकि आप जानते हैं स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय क्या है टाइम, तो टाइम उधर चला जाएगा और स्पीड इधर आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ये इधर चला गया तो स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आप सोचिए जरा से, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा T1, ये T1 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन के टाइम हम क्या कर रहे हैं, बस उसको अलग पेन से कर देते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड यानी कि D/V1 लिख सकते हैं, और इधर आप यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा है टाइम बराबर डिस्टेंस अब भाई क्या स्पीड ये वाला लिख सकते हैं, तो आप T1 के जगह पे D/V1 पुट करेंगे प्लस T2 के जगह पे D/V2 पुट करेंगे, इससे देखिए क्या हरकंप मचेगा यहाँ, डी और डी हमारा 2D, ठीक है, डी और डी को कॉमन निकाल लीजिए, ठीक, तो 1/V1 प्लस 1/V2, ठीक है, ये डी से ये डी कैंसिल हो गया, फिर देखिए 2 ऊपर में जिंदा है, वी और वी टू इन दो भेन का जोड़ घटा करने जानते, नीचे दोनों को गुना कर दीजिए, शॉर्टकट तरीका यही है, V1 × V2 दोनों गुना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर हो जाएगा V2 प्लस ये उधर हो जाएगा क्या V1, अब ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो 2V1V2 डिवाइडेड बाय V2 प्लस V1 लिखे या V1 प्लस V2, एक ही बात है, नीचे तो ऊपर चला गया ना,
वी वन प्लस वी टू थोड़ा देखने में अच्छा लगता है इसलिए कर देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एवरेज स्पीड हमारा वहाँ लास्ट में जाके आ गया। तो ये किससे मैच कर रहा है? सी नंबर से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग पेज नंबर 19 और पेज नंबर 20 आखिरी बात, इसके बाद क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए कहते हैं, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि इसको वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कीजिए, पिछला सवाल से मिलता जुलता है थोड़ा सा, पिछला से आसानी है। एक कार है जो कि कवर अ डिस्टेंस विथ स्पीड वी वन फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, फाइंड द एवरेज स्पीड। अरे अ कार कवर्स अ डिस्टेंस, एक दूरी को तय करता है कार वी वन और वी टू दो इक्वल समय अंतराल के लिए, तो एवरेज स्पीड बताइए। यानी कि जानते हैं सवाल में क्या बोल रहा है, समझना होगा बच्चा। बोल रहा है कि एक दूरी को उसको तय तो करना है, टोटल दूरी को तय तो करना है, ठीक है, लेकिन समय अंतराल बटा हुआ है। समय अंतराल क्या बटा हुआ, यानी कुछ समय तक ये चलता है वी वन स्पीड से, फिर उतना ही समय तक ये चलता है वी टू स्पीड से। उसको कुछ दूरी तय करना है खड़े, लेकिन सेम टाइम के लिए, कभी टी वी वन स्पीड से चला तो सेम टाइम के लिए कभी वी टू स्पीड से चला। मान लीजिए पूर्णिया से कटिहार तक जाना था, टोटल 2 घंटा लगा है, तो 1 घंटा तक वो चलता रह गया 10 के स्पीड से, नहीं 1 घंटा तक वो चलते रह गया मान लीजिए 20 के स्पीड से, और फिर 2 घंटा में 30 किलोमीटर का सफ़र 2 घंटा में तय किया। पहला 1 घंटा तक चला 20 के स्पीड से, और फिर अगला जो 1 घंटा चला है वो 10 के स्पीड से चला है, ठीक है। तो औसत स्पीड क्या हुआ ज़रा सोचिए, पहला 1 घंटा तक 20 के स्पीड से और अगला 1 घंटा तक 10 के स्पीड से, ठीक है। तो 2 घंटा का तो समय लिया है ना, ठीक है, अच्छी बात है, 2 घंटा का समय ले लिया। पहला 1 घंटा तक 20 के स्पीड, अगला 1 घंटा तक 10 का स्पीड, तो औसत स्पीड क्या होगा? 2 घंटा लगाया ना पूर्णिया से कटिहार तो 30 किलोमीटर था, पहला 1 घंटा तक 20 का स्पीड, अगला 1 घंटा तक 10 का स्पीड, तो टोटल औसत स्पीड 2 घंटा का समय लिया, एवरेज स्पीड हो गया डिस्टेंस बाय करके यानी 15 का आएगा। खैर चलिए हम एक इसको नॉर्मल तरीके से समझते हैं, उतना आपको पेचीदा नहीं बनाना, फिर से फ्रेश स्टार्ट करते एकदम फ्रेश स्टार्ट। देखिए पूर्णिया से कटिहार जाना है, 2 घंटा का समय लगेगा उसको, 1 घंटा तक चला इस स्पीड से, 1 घंटा तक चला इस स्पीड से, तो जब ज़्यादा स्पीड से चल रहा था तो सेम टाइम में ज़्यादा दूरी तय कर लिया, जब कम स्पीड से चल रहा था तो सेम टाइम में कम दूरी तय किया। हमको यहाँ पे एवरेज स्पीड चाहिए, हम कुछ नहीं जानते हैं, एवरेज स्पीड चाहिए, तो एवरेज स्पीड बराबर हमारा फॉर्मूला तो वही, डिस्टेंस बाय क्या करना है, टोटल टाइम करना है। टोटल डिस्टेंस यहाँ से वहाँ तक है, अब कितना दूरी है भैया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए डी वन और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी टू। जब वी वन स्पीड से 1 घंटा तक चला तो अलग डिस्टेंस, और वी टू स्पीड से जब 1 घंटा तक चला तो अलग डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा भैया, डी वन प्लस डी टू, डी वन प्लस डी टू, अब भाई टोटल टाइम कितना होगा, टी प्लस टी। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग सब कुछ को। तो डी वन डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, आप जानते हो, यहाँ आप देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इधर गुना हो जाएगा, तो स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ये जो d1 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम यानी कि v1t, फिर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है d2 वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो d1 और d2, d1 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं v1t, और d2 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं v2t, टाइम प्लस टाइम, टी प्लस टी, टू टी, टी ऊपर से कॉमन निकाल लीजिए, तो वी वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाय टू टी,
तो टी सिटी कैंसिल, सॉरी, ये यहाँ पे टी कॉमन निकालेंगे ना, तो वी वन प्लस यहाँ क्या है वी टू डिवाइडेड बाय टू टी, अब ना टी से टी कैंसिल, तो ये क्या बच गया वी वन प्लस वी टू बाय क्या, ठीक है। बहुत लगता है इतना आसान सवाल को हम पेचीदा बना दिए, खैर सॉरी फॉर दैट। पेज नंबर 19, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इजी सवाल था। और वैसे भी सेम टाइम तक वी वन स्पीड, सेम टाइम तक वी टू स्पीड से चले, एवरेज स्पीड मांगे तो दोनों स्पीड को जोड़ के डिवाइडेड बाय टू कर दीजिएगा, शॉर्ट फार्मूला भी हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, एरोडोप का क्वेश्चन, फिजिक्स में सबसे टफ न्यूमेरिकल इसी का होता करता है माना जाता है, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं ये हो जाएगा। चलिए वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए, लास्ट ही है, ठीक है। तो एक आदमी है जो कि कवर करता है आधा दूरी को भी स्पीड से और बचे हुए आधा दूरी को वी वन वी टू स्पीड से के इंटरवल से, तो एवरेज स्पीड बताइए। देखिए इसमें सवाल को ठंडा दिमाग से आपको बनाना है। आधा दूरी को तय किया, यहाँ से यहाँ तक का आधा दूरी जो है मान लीजिए ये है डी, डी डिस्टेंस है, इस डी डिस्टेंस को उसने तय किया भी स्पीड से, और बाकी बचा जो डी डिस्टेंस है उसको ये दो टुकड़ा में बांट करके तय किया है इक्वल टाइम इंटरवल वी वन और वी टू स्पीड से। तो पहले वी वन स्पीड से चला, वी वन स्पीड से चला कुछ दूरी तक, कितना टी टाइम तक ही लेकिन चला है, और फिर उसके बाद वी टू स्पीड से चला है लेकिन टी टाइम तक ही चला है, ऐसे बोल रहा है। आधा डिस्टेंस डी है और यहाँ से यहाँ तक का भी ये बाकी बचा जो आधा डिस्टेंस है ये भी हमारा कितना है डी है, तब ना डी और डी टू डी टोटल डिस्टेंस का, टोटल डिस्टेंस यहाँ से वहाँ तक कितना है 2D, आधा डिस्टेंस D और आधा डिस्टेंस D, आधा जो डिस्टेंस है D उसको भी स्पीड से चला और बाकी जो आधा डिस्टेंस है D उसको वी वन और वी टू दो प्रकार के स्पीड से चला है, इतना तो चीज़ पिछल का सवाल में था। यहाँ से यहाँ तक वी वन वी टू टी टी था ना। अब हम लोग ये पेज नंबर 19 में आ गए हैं, पेज नंबर 19 में आ गए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि आधा दूरी यानी डी डिस्टेंस भी स्पीड से, बाकी बचा आधा दूरी यानी कि डी डिस्टेंस वी वन और वी टू अलग अलग रफ्तार से चला, लेकिन यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम सेम है। वी वन स्पीड से जितना दूर तक चला उसका टाइम और वी टू स्पीड से जितना देर तक चला उसका टाइम सेम है, और ये टोटल डिस्टेंस हमारा इधर का भी उतने है डी जितना इधर है डी, तो हमको एवरेज स्पीड चाहिए। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, सिंपल है भंडा भैया। एवरेज स्पीड बराबर हमको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस बाय क्या टोटल टाइम कर देना है, बस हो गया। तो चलिए देखिए दिमाग लगाएंगे यहाँ पे, एक काम करते हैं, पहले इतना थोड़ा दूर के लिए हम थोड़ा सा कुछ कुछ पता करते हैं, इतना तो दूरी के लिए हम लोग थोड़ा सा देखिए एक काम करते हैं, इतना तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, x और x जोड़िएगा तो d हो जाएगा, इतना तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम और इतना तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो ये x हो गया हमारा वी वन टी और ये भी x हो गया वी टू टी, वी वन इंटू टी ये डिस्टेंस और वी टू इंटू टी यानी कि स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो ये डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना वी वन टी और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा वी टू टी, और दोनों डिस्टेंस को जोड़ देंगे तो डी, यानी कि दोनों डिस्टेंस डी बराबर आप लिख सकते हो वी वन टी प्लस क्या वी टू टी, नहीं स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, और ये दोनों डिस्टेंस को जोड़िएगा तो आप डी हो जाता है ना। तो यहाँ से आप देखिए तो एक काम कर सकते हैं, d
डी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, वी वन प्लस वी टू, और टी को आप कॉमन बाहर निकाल लिए, ये इधर डिवाइड में लाइए, डी डिवाइडेड बाय वी वन प्लस वी टू, अब बराबर क्या आ गया टी। ये टी आपके लिए निकालना ज़रूरी था, क्यों ज़रूरी था हम समझेंगे अभी। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करना है ना आपको, टोटल डिस्टेंस आपका कितना होगा डी या प्लस डी टू डी, रही बात टोटल टाइम की, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो भी स्पीड से चला है तो टाइम यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ टाइम आप देखिए तो टाइम बराबर क्या डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड आप लिखिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम प्लस यहाँ से यहाँ तक का टाइम आपको लिखना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है डी बाय वी प्लस यहाँ से यहाँ तक का टाइम आपका कितना है टी प्लस टी, यानी कि कितना टू टी, है ना। अब ठंडा दिमाग से, यहाँ से यहाँ तक का टाइम डी बाई वी और यहाँ से यहाँ तक का टाइम टी प्लस टी टू टी, इसको ज़रा सॉल्व कीजिए, टू डी डिवाइडेड बाय डी बाई वी प्लस टू इन टू, टी की जगह पे देखिए तो क्या लिख सकते हैं, टी की जगह क्या लिख सकते हैं डी बाय वी वन प्लस वी टू, डी बाय वी वन प्लस वी टू। अब इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा भैया, बहुत माथा पिची है इसमें सवाल में, है ना। चलिए देखिए तो ये डी और डी कॉमन निकल जाएगा ना, हमको तो एवरेज स्पीड ही चाहिए, ठीक है। तो ऊपर का 2d डी डिवाइडेड बाई डी और डी कॉमन निकाल लें अगर हम, तो अंदर में बचता है वन बाई भी प्लस ये 2 ऊपर चढ़ जाएगा 2 बाय वी वन प्लस वी टू, और ये d से d कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में 2 डिवाइडेड बाय नीचे वाला, ये दोनों को कैसे हल करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे में आ जाएगा v इंटू वी वन प्लस वी टू, ये सर मल्टीप्लाई होगा तो वी वन प्लस वी टू इधर आ गया, प्लस ये उससे मल्टीप्लाई होगा तो टू भी इधर आ गया। अब ये नीचे वाला चीज़ ऊपर चला जाएगा तो टू भी इंटू वी वन प्लस वी टू, और नीचे वाला चीज़ में क्या बच गया टू भी प्लस वी वन प्लस वी टू, किसी से मैच कर रहा है, किसी से मैच नहीं कर रहा, हाँ मैच कर रहा नीचे वाला से। चलिए यहाँ पे नीचे में क्या बन गया वी वन प्लस वी टू प्लस क्या टू भी, देखिए तो किससे मैच कर रहा है टू भी इंटू वी वन प्लस वी टू, टू भी इंटू वी वन प्लस वी टू, नीचे में वी वन प्लस वी टू प्लस टू भी, वी वन प्लस वी टू प्लस टू भी, इससे मैच कर गया, ये मैच कर गया, वेरी गुड। हो बाबू हो, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, पेज नंबर 19, ये 19 पेज में आपका सिमट गया ये चैप्टर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन, और वेरिएबल, सारा वेरिएबल एक्सलरेशन, वेरिएबल इस सब सारा चीज़, वेलोसिटी वगैरह सब कुछ, बहुत अच्छा क्लास होने वाला है। और एक चीज़ आप डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन का जो वीडियोज़ है आपको यहाँ स्क्रीन पे जो भी चीज़ नज़र आ रहा है, स्क्रीन पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का वीडियो आपको नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके उसको आप देख सकते हैं। नोट्स हमारा www.physicsbrahmana.com, और हाँ वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है और थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए। थैंक यू दोस्त, बाय बाय, गुड लक।